स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ नव डब्बा खान। आज हमें ऐसी बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में खड़े जहाँ पर आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है और आधा नहीं है, यानी कि बिल्डिंग एक तरह से आप एक वर्ड यूज कर सकते खंडर की तरह पड़ी। और यहीं पर एक जो हमारी मीरा भाईंदर की सोशल वर्कर है नीलम तेली जी, वो यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से पढ़ाती हैं और जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, जो एक आप कहेंगे कि एक आर्थिक रूप से कमज़ोर है घर से, और जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल का चेहरा भी नहीं देखे, उन सारे बच्चों को यहाँ पर वो लाती हैं और ये सारा मीरा भाईंदर जानता है। आज खुशी की बात यह है कि उनमें से 4 बच्चे हैं जो उनके हैं, और वो भी चारों बेटियाँ ही हैं, चारों लड़कियाँ हैं, वो सारे के सारे 10वीं की एग्ज़ाम गए हैं और आज उस परीक्षा का पहला दिन था। आइए हम उन पहले बच्चों से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम नीलम जी से आपकी बात कराएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश श्री हरिश्वाला। आप कौन से स्कूल से जो 10वीं का आपसे एग्जाम शुरू हुआ है दे रही हूँ? सेकेंडरी भाईंदर सेकेंडरी। तो आज क्या का पेपर है? आज हिंदी का पेपर। कैसा गया आपका? बहुत अच्छा। और यहाँ पर आप कितने सालों से पढ़ रहे हैं? ये नीलम जी पढ़ाती हैं, ये क्लास है 5 साल। 5 साल हो गए। आपका नाम है ज्योति। ज्योति आप कौन से स्कूल से पढ़ी? मैं। अच्छा, तो आज पहले पेपर कैसा गया? अच्छा। तो अभी आपके सारे पेपर हैं कल, इस चीज़ का पेपर मराठी का। यहाँ पर आप आती हैं, आप भी 5 साल से? हाँ। अच्छा, तो अभी आपके तरह से तैयारी कौन करवाता है, आपको पढ़ा कौन रहा है? आपका नाम? वर्षा कौन से स्कूल से दे रही हूँ? तो आज पेपर अच्छा गया आपका? अच्छा। अभी तैयारी कैसी आपकी चल रही है दूसरे पेपरों में? अच्छी चल रही है, अभी मैं कोशिश करूँगी मराठी में भी ज़्यादा करने के लिए। आपका नाम? प्रिया। प्रिया कौन से स्कूल से एग्जाम दे रही हूँ? विद्यालय से। तो आज पेपर कैसा आया? बहुत अच्छा। कैसी तैयारी कैसी चल रही है और बाकी पेपरों की? बहुत अच्छे से चल रही है और मेहनत करूँगी, मैं मैथ्स में अच्छे से मार्क्स लाए। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा बिल्डिंग मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और मम्मी पापा। आपके मम्मी? घर का काम करती है। आपने देखा ज़्यादातर जो भी यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर है और इसीलिए नीलम जी काम करती है। आइए हम नीलम तेली जी से बात करवाते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उनका कारवा शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा और आज उनके लिए खुशी की बात है और हमारे सारे लोगों पर, जो भी हम एक नागरिक है इस देश के, हम सबके लिए भी ऐसी खुशी की बात है कि देखिए इस तरह से काम करके भी अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है और किसी के खुशी का कारण क्या बन सकते हैं। नीलम तेली जी समाज सेविका है, मीरा भाईंदर में उनसे बात करते हैं। नीलम जी स्वागत है आपका रूबरू में। नीलम जी बताइए किस तरीके से, पहले तो आपने बहुत आपको बधाई कि आपके 4 बच्चे उन बेटियां नाम करिए देश में, और आज आपकी स्कूल ने भी यही किया कि आपके बच्चियां यहां से पढ़ के और आज चारों की चारों लड़कियां आज एग्जाम दे रही है। पहला पेपर भी उनका हो चुका, कहा कह रही है कि अच्छा भी पेपर गया। तो मुझे आप बताइए कि किस तरीके से आपने सोचा और ये कारवा आपका कहाँ से शुरू हुआ? एक कारवा तो कुछ सोच के नहीं, पर ऐसे बोले ना, भगवान ने मुझे एक काम दिया और एक काम करने में हमको आज तक जितने काम के इसमें सबसे बेस्ट मुझे एजुकेशन का काम कि आज मैंने देखा बहुत से जगह पे उनके पास बड़े बच्चे होशियार भी रहते हैं, सब रहते हैं, ज़्यादा करके मजदूरों का बच्चों मैंने देखा कि उनका हर जगह पे बदली होती रहती है, इनको बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते और सबसे ज़्यादा ये बच्चों में इतनी सारी एक्टिविटीज सब है और वो लोग दिल लगा से पढ़ रहे, तो हमने बीड़ा उठाया और इन बच्चों को पढ़ाने का काम हाथ में लिए और आज मेरे पास सबसे ज़्यादा बेटियाँ पढ़ के, तो मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है हम लोग को कि बेटियाँ पढ़ रही है तो उनको तो आगे चलाना ही है, पढ़ाना ही है, क्योंकि एक बेटी पूरा घर संसार समाज और अपने देश को आगे ला सकती है और पूरा परिवार सुखी भी हो सकता है और इनकी सोच बदली जा सकती है। और देखा जाए तो बच्चियाँ भी खूब मेहनत कर रही है पढ़ने के लिए और हमारे लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बच्चियाँ पढ़ रही और उनको ये बच्चियाँ, कई बच्चे इसमें एक दो बच्चियाँ घर काम भी कर और घर काम के साथ वो लोग को हमने स्कूल में एडमिशन कराया सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ से
और वहाँ से वो लोग एग्जाम दे रही है और यहाँ पे वो 5 सालों से पढ़ रही है और पढ़ लिख के उनकी दगस देख के हमने देखा इनको आगे लेके जाना है। और हमारा एक कारवा बच्चों का एसएससी तक नहीं रुकेगा, इन लोग को हम जितना भी आगे पढ़ना है जो भी करना है उनको लाइफ में तो हम पक्का कराएंगे। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे अगले साल भी 3 बच्चे हमारे एसएससी में आ रहे हैं तो उनको भी इस तरह से हर एक बच्चे को आगे आगे लेके जाके जितना हो सके इतना सपोर्ट कर। और हमारी पूरी टीम इन बच्चों के लिए जी जान से मेहनत करती है पढ़ाने के लिए और काफ़ी वो लोग ने टाइम समय भी दिया। और सबसे बड़े मैं बोलूँ ना, जब मेरे बच्चे एसएससी में आए ना तभी मुझे खुशी थी, पर इन बच्चों को एसएससी में देख के खुशी की मेरी सीमा नहीं। आज सुबह से मैं एकदम बोले ना पागल जैसा हो गई कि मेरी बच्चियाँ एसएससी के एग्जाम दे गए। और हमारे सारे टीचर इसमें सबसे मेहनत इनके पीछे अक्षय सर और पूनम मिस ने बहुत किया है बच्चों के। अभी फिलहाल में हमारे टीचर है मेगा मिस, स्नेही मिस, वो भी जो उनके साथ बच्चे अपने 7-8 इन बच्चों को जी जान से पढ़ा रहे हैं वो लोग, वो भी कहते हैं हमारे बच्चे और एसएससी में हो सके इतने बच्चों को तो एसएससी पढ़ाना ही पढ़ाते, बाकी का फ्यूचर हम जिस तरह से उनका करेंगे कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ एक है जितना पढ़ाने के बाद हम इन लोग को फ्यूचर एकेडमी में रखते हैं, वहाँ की टीचर भी हमको सपोर्ट करेंगे इन बच्चों के लिए उनको पढ़ाई में, उनका भी योगदान हमारे लिए है ज्योति मिस का। और वहाँ से इनको गाइडेंस सब दिलाते हैं, वो भी अपने केयर कर रही है बच्चों को और साथ में वो भी। मीरा महेंद्र की जनता से क्या चाहते हैं? मीरा महेंद्र की जनता से हम लोग एक ही चाहते हैं कि एजुकेशन में जितना हो इतना बच्चे लोग को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही जगह, आपके आप बाहर नहीं निकल पाते तो आपके घर पे काम करते हैं, आपके आजू बाजू ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो तो अपने आप सब जगह पर सपोर्ट पहुँच जाएगा। और हम ऐसी एक हम अभी जो निर्माणधीन बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे अभी हमारा शॉर्ट पीरियड शायद है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है आगे जगह के लिए, तो हमको कहीं से ऐसी एक थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हमारे यहाँ डेली बेस पे 80 से 90 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। वो सपोर्ट हम चाहते हैं लोगों से कि वो सपोर्ट करें और बच्चों को पढ़ाने में आगे मदद करें और इनका एजुकेशन फ्यूचर बनाने में भी मदद करें, यही हमारी सबसे अपील है। मैं एमी बात कहना चाहती हूँ, जब मैं जगह के लिए घूम रही थी तभी कोरोना था, मेरे पास जगह नहीं थी, एक जगह खाली देख के मैं बैठ गई, मुझे तभी पता नहीं थी कि किसकी जगह है, क्या पर सामान रखने की कोई, तो मैं खाली देख के बैठ गई। उसके बाद मुझे पता चला है बबूदा मैडम का जगह, तो मैंने बबूदा जी को बात की कि मैडम मैं इस जगह पर आपकी पढ़ाई, तो उन्होंने दिल से मुझे आशीर्वाद दिया। वो है क्या बबूदा कदम जो पूर्व नगर शिविका थे वो, और आज भी वो हम लोग से बहुत ही सपोर्ट करें और बोलते हैं तुम्हारी जगह का हम कोशिश पूरी करेंगे और इन्होंने अच्छी तरह से हमको यहाँ पढ़ने दिया, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी बच्चियों के जिस तरीके से आप ये कारवां लेके बढ़ा रही और आपकी बच्चियों के रिजल्ट भी अच्छे आए, हम यही आप यही कामना करते हैं और यही बधाई भी दे रहे हैं कि वो अच्छे से आगे अपने रास्ते पर चले। नीलम जी के इस बच्चों के पढ़ाने के अभियान में कई सारे टीचर जुड़ते जा रहे हैं और इसी तरीके से जिनको भी जब भी वक्त मिलता है पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार से मैं आ रही हूँ मुझे टीचर दिख रहे हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात एक माहौल होता है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन अगर आपके घर में माहौल बच्चों को पढ़ाने का ना हो और ऐसे बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं तो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आगे का लक्ष्य क्या है और किस तरीके से स्कूल खंडर नुमा ही बोलूंगी मैं क्योंकि जगह तो है नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे किस तरीके से, लेकिन बहुत बड़ी बात है ऐसी स्कूल में पढ़ाना और उसके बाद बच्चों को आगे उनके लक्ष्य की तरफ ले जाना। ये जानते हैं टीचरों से कि क्या चाह रही है और किस तरीके से उनको पढ़ाती है और कैसा टाइम निकालती है, अपना परिवार भी देखती है और यहाँ पर भी आती है। जी स्वागत है आपको, नाम क्या है? मेरा नाम मेघना जी। कब से आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं? मैं एक्चुअली शुरुआत से ही जुड़ी हूँ पर बीच में काफ़ी मेरा जॉब के कारण मैं आ नहीं पा रही थी, तो वेरी ऑफिस आना जाना चलता था। तो कैसे क्या घर भी किस तरीके से? एक्चुअली अगर हम बोले ना जहाँ चाह हो वही रहा हो, तो मेरी एक्चुअली वही है कि हम तो सपोर्ट करते ही थे शुरुआत से करते थे नीलम जी के साथ, मैं सिर्फ स्कूल के कारण नहीं बाकी कामों में मैं जुड़ी थी, सोशल सर्विस एक्टिविटी में जुड़ी थी। तो सोचते सोचते एक दिन हम लोग का सोच हुआ कि हम लोग जब जाते थे रास्ते में देखते थे ना कि मेरा कुछ करे इन बच्चों के लिए, तो ये सोच उनकी थी, तो मैंने हाँ चलो कर
कर लेते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं नहीं थी, इन्होंने मुझे बताया कि मेगा मैंने स्कूल खोल दिया, तू आ जा ज्वाइन कर। पर उस टाइम में काम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था। तब उसके बाद जब शुरू हुआ तो मैं एक बार आती, दो बार आती, ऐसे करते करते, और अभी तो आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं अपने काम के बीच में भी एक दो घंटा निकाल ही लेती हूँ। जैसे आज भी मैं ऑफिस गई थी तो इन्होंने बोला कि इनका आज स्पॉन्सर करना है, तो मैंने बोला हाँ मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ ऑफिस से आगे। आप जानते हो तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर मन में इच्छा हो ना तो बहुत कुछ हो सकते हैं। और यही बात डेफिनेटली हम लोग वुमेन्स को वुमेन्स डे भी आ रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट मोर एंड मोर द गर्ल्स। यहाँ पे आप देखोगे अगर 60% अगर गर्ल्स ज़्यादा है तो गर्ल्स से ज़्यादा है, हम लोग उनको ज़्यादा उत्साह करते हैं। और बच्चे होशियार है, ऐसा नहीं कि बच्चे होशियार नहीं है, हमें भी मज़ा आता है उनके साथ। पहले तो एक दो दिन ऐसा लगता है, फिर अभी तो ऐसे हो गया कि आदत हो गया कि कहीं करे या ना करे यहाँ पे आके थोड़ा दो घंटा बैठना ही है, पढ़ाना ही है, वो तो हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ करे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी मैम। आपका नाम? हेलो मैम, मेरा नाम स्वीनी शाह है। बेसिकली मैं अभी खुद एक स्टूडेंट हूँ, बट यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ। यहाँ पे मुझे पहले दिन से ही ये लोग ने इतना अपनापन दिया ना कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि आई एम एन आउटसाइडर जो अभी अभी ज्वाइन हुआ है। एज अ स्टूडेंट क्या कर रही हो अभी, अब कितने एजुकेशन? मैं फिलहाल मास्टर्स कर रही हूँ, और मास्टर्स में हमें होता है दैट वी हैव टू कंप्लीट एन इंटर्नशिप पीरियड ऑफ 2 months। मेरा 2 महीना तो कब का हो चुका है, बट मैं यहाँ पे कंटिन्यू हूँ। प्यार हो गया बच्चों? हाँ, बच्चों से इतना प्यार हो गया ना कि छूटता नहीं है अभी उन्हें। एंड इट इज लाइक जैसे ही मैं एंटर होगी ना, सब आके मुझे बोलेंगे दीदी दीदी दीदी, तो वो जो मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। वो टीचर का रिस्पेक्ट, वो दीदी वाला प्यार, वो और कहीं नहीं मिलेगा जो मुझे यहाँ से इन लोगों के पास से मिल रहा है। आई फील कि यहाँ पे जो एजुकेशन ये लोग को हम दे रहे हैं ना, वो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना तो ये लोग बहुत नाम करेंगे। दे हैव प्रूव्ड के है ना, एजुकेशन कोई है ना मिडिल क्लास अपर क्लास से डिसाइड नहीं होता, ये इनका डेडिकेशन है। इट्स जस्ट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ये अपॉर्चुनिटी एक बार इन बच्चों को मिल जाए, आई कैन से ब्लाइंडली कि ये कभी हमें फेल नहीं करेंगे। And I can say it, that they can do it. I don't know about others, but they can do it. They have that in it. बहुत देखा आपने, टैलेंट के लिए कोई भी मीडियम नहीं होता, चाहे वो किसी भी घर से आते हों। ये सारे बच्चे आप देख रहे हैं कितने जोश से भरे होते हैं, और घर में इनके जो भी हालात हो लेकिन ये यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे, पढ़ रहे हैं। और इनके टीचरों को आप देख रहे हैं, जो स्नेहा ने बताया वो तो अभी खुद ही एक स्टूडेंट है और वो कितना प्यार कर रही है बच्चों से। तो ऐसा ही नहीं है मीरा भाईंदर में पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं जो ऐसे ही टाइम पास कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और उनके पास वक्त पड़ा है तो इस तरह के स्कूलों में आकर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और जहाँ तक कि इस जगह की बात है, जैसे नीलम जी ने भी कहा और यही चीज़ हम भी बोल रहे हैं, हम भी लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह के जो स्कूल चल रहे हैं सड़कों पर या फिर इस तरह की खंडहरनुमा जगहों पर, इनको किसी भी तरीके से आप लोग आगे बढ़ाइए और ये सारे बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाइए। ऐसे ही कारवां हम भी रूबरू में बढ़ाते रहेंगे और आपको रूबरू करवाते रहेंगे अच्छी अच्छी चीज़ों से और सच से। मिलेंगे फिर ऐसे ही, तब तक के लिए शुक्रिया।